वृंदावन में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नगर के परिक्रमा मार्ग स्थित एक गेस्ट हाउस में युवती का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका के परिजनों को भी सूचित कर दिया है। बताया जा रहा है एमपी से 4 युवती और 3 युवक 23 दिसंबर को वृंदावन दर्शन करने पहुंचे थे। सुबह युवती नहाने के लिए बाथरूम में गई, वहां उसका शव मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिक्रमा मार्ग पे जो ललिता आश्रम है वहाँ उसके बगल में शांति सदन है, वहीं लोग 23 तारीख से रुके हुए थे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से ये 5-6 लोग आए हैं, जिसमें परिवार के और दोस्त लोग हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। जैसा इन लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 8:30 के आसपास वो टॉयलेट में गई फ्रेश व्रेश होने या नहाने धोने के लिए। उनका नाम मृतका जो है उसका नाम है अनामिका, और जब टॉयलेट से नहीं खुला तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद तत्काल अपने लोगों को सूचित करके उन्हें ब्रज हेल्थ केयर लाया गया। ब्रज हेल्थ केयर में उनको यहाँ जब आया तो मृत घोषित